नमस्कार, आप देख रहे हैं BNY न्यूज। खबर यूपी के देवरिया जनपद के भाटपार रानी से आ रही अनशन के चौथे दिन बिगड़ी हालत। देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बतरौली में राम जानकी मंदिर के आगे ग्राम सभा की भूमि को स्थानीय दबंग किसान के लोगों के द्वारा कब्जा कर लेने के कारण मंदिर के निर्माणक तथा मंदिर के पुजारी श्याम कुमार गुप्ता ने उसे खाली करने के लिए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी देवरिया तथा उप जिलाधिकारी भाटपार रानी को पत्र देने के बाद कोई कार्रवाई ना होने के कारण 2 सितंबर 2023 से मंदिर पर ही अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक ग्राम सभा की भूमि को दबंग के द्वारा हटाया नहीं जाएगा तब तक यह मेरा अनशन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए। श्याम कुमार गुप्ता रिटायर्ड फौजी हैं जो रिटायर होने के बाद अपने गाँव बतरौली पोस्ट परसिया छितनी सिंह जिला देवरिया में रहने लगे और अपने ही पैसे से राम जानकी मंदिर तथा राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया और पूजन पाठ करना शुरू कर दिया। मंदिर की आगे की जमीन 0.77 एयर ग्राम सभा की भूमि है जो गांव के ही दबंग के द्वारा कब्जा किया गया है। पुजारी का कहना है कि अगर यह जमीन खाली हो जाती है तो गांव के अमीर गरीब सभी लोग के लिए कोई भी कार्यक्रम करना या मंदिर का कोई कार्यक्रम करने में कोई परेशानी नहीं होगी और अगर ग्राम सभा की जमीन खाली नहीं होती है तो मेरा अनशन जारी रहेगा। अनशन के चौथे दिन उनकी हालत खराब थी। बनकटा CHC से एक डॉक्टर भी आकर उनका जांच किए। जांच पड़ताल में भूख प्यास रहने के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। प्रशासन को तत्काल पुजारी के पास पहुंचकर उनका समाधान करना चाहिए। BNY न्यूज के लिए भाटपार रानी से कमल पटेल की रिपोर्ट। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्यामपाल गुप्ता जी। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम सभा बतरौली का निवासी हूँ। आप किस कारण से यह अनशन जो आज चौथा दिन है, आपकी हालत भी खराब हो रही है और आप अडिग हैं, किस चीज़ के लिए, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है ग्राम समाज की जमीन जो पक्की जमीन है इस मंदिर के सामने उसको खाली कराया जाए और जो ग्राम समाज के काम आए, मंदिर के काम आए, यही मेरी मांग है जी। क्या इसकी सूचना आप शासन या प्रशासन को दिए हैं? हम मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर तक SDM तक सब एप्लीकेशन 3 साल तक दे चुका हूँ। क्या कोई अधिकारी आपके पास आए थे इसका संज्ञान लेने? कल अधिकारी आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। हाँ, तहसीलदार साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? तहसीलदार साहब ने कहा कि 2 महीने का समय जो हमने कहा मेरे साथ कोई समय नहीं, इसको आप खाली कराइए, बाउंड्री कराइए, यही मेरी मांग है। आपके गांव के ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान का भी कहना है कि खाली होना चाहिए। उनका कहना है कि ये खाली होना चाहिए। जी जी, तो अब इसके आगे आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए कि शासन या प्रशासन आपकी बातों को अवहेलना करता है तो इस पर आगे आपका क्या कार्रवाई होगी? हमारी कार्रवाई जो है निरंतर जारी रहेगी, जो अंतर पर बैठा हूँ वो जारी रहेगा। इसका मतलब कि जब तक वह भूमि खाली नहीं कराई जाएगी तब तक आप या अनशन बंद नहीं करेंगे? ना, जब तक खाली नहीं होगा तब तक अनशन।